ओके पिछले क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसा होगा? सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में ही होगा, यानी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा किस फॉर्म में होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होगा, जहाँ एम और एन मेरा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है हम लोग जानते हैं। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे क्या, ये एग्जैक्ट है, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जब देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन। एक हमको ऐसा फंक्शन मिलना चाहिए या एक ऐसा फंक्शन हमको ढूंढना पड़ेगा, कम से कम एक ऐसा फंक्शन जिसका टोटल डिफरेंशिएशन करने पे मेरा क्या हो जाए, वो फॉर्म दे दे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दे दे, दैट इज ये वाला होना चाहिए। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखे थे। अब समस्या ये होता था इसमें कि अब बहुत सारा अभी तो इजी इजी क्वेश्चन है, तो हम उसका एक फंक्शन है एफ एक्स वाई ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर फंक्शन बड़ा हो, फंक्शन टफ हो, तो फिर वो एफ एक्स वाई ढूंढना बहुत टफ काम हो जाता है, क्योंकि आगे चल के वही एफ एक्स वाई तुम्हारा क्या दे रहा है, एक तरह से उसको डिफरेंशिएशन करते हो तो तुम्हारा फॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स ये एफ एक्स वाई तुम्हारा क्या दे रहा है, एक तरह से जनरल सॉल्यूशन तुम इसको बोल सकते हो। एफ एक्स वाई ये जो तुम्हारा आएगा इसको एक तरह से जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हो, इसको इक्वल टू सी करोगे तो ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। यहाँ भी इक्वल टू सी करोगे इस एक को तो ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके तो उसके लिए कंडीशन क्या था कि नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है, एक थ्योरम है कि क्या करना है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये दिखा दो कि पार्शियल डेरिवेटिव एम का वाई के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव एन का एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों बराबर होता है, या अगर ये दोनों बराबर दिखा दिए तो इसका मतलब ये हम बोल पाएंगे क्या वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है। उसी के लिए हम लोग काम किए थे, नेसेसरी कंडीशन में हम लोग मान लिए कि एग्जैक्ट है, आपको ये शो करना था, ये शो कर दिए। बस इसमें एक चीज था यहाँ पे कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है एफ फंक्शन का वो कंटिन्यूअस होता है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, दैट मीन्स ये दोनों को हम लोग ऑर्डर इंटरचेंज कर दें अगर नीचे में डेल वाई डेल एक्स डेल एक्स डेल वाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा, तो वहां से हो गया। सफिशियंट कंडीशन में भी कुछ कुछ चीजें दिखता है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमको एग्जैक्ट दिखाना है, मेरे पास ये चीज दिया हुआ है, दोनों का पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, इक्वल होता है, ये चीज हमको दिया हुआ है, हमको दिखाना है ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, तो ये एक दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे पहला टर्निंग पॉइंट यही था कि पहला तुमको एक टर्निंग है कि तुमको ये याद रखना पड़ेगा, ऐसा क्या करे कि ये डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स का यूज होगा, इसका तो यूज होगा इसको एग्जैक्ट दिखाने के लिए, तो ऐसा क्या करे, तो हमको पता है सर हमको दिखाना है एग्जैक्ट, तो हमको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, कम से कम एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ तो जनरल है, कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वी मस्ट फाइंड ए फंक्शन, हमको फाइंड करना ही पड़ेगा जिसका टोटल डिफरेंशिएशन क्या देते तुम्हारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, क्योंकि ये डिफिनेशन ही कहता है एग्जैक्ट का, है ना। तो ये एफ एक्स पे आप मेन काम है, तो इस एफ एक्स को लाएंगे कैसे, तो यहाँ से वो काम किया जाता है, एक ऐसा तुमको लेके चलना पड़ेगा, पहले सोचा गया है कि इसका प्रूफ करना है, अगर ऐसा चीज होगा तो कैसे करेंगे, हर पॉसिबिलिटी से हर तरीके से, तब जाके क्या होता है ये निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक ढूंढा गया, तो पार्शियल डेरिवेटिव एम का अगर हम फाई लेते हैं तो एम इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स होगा, फिर यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में किए, फिर उनका ये जो हमको दिया हुआ है वेपन उनका यूज किए, फिर यहाँ से ये आया, फिर यहाँ पे मेरा ये आ गया। ये भी हम बता दिए कि हम जी वाई एज अ कॉन्स्टेंट ले रहे हैं जब हम एन को पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, ताकि अब मेरा ये एन जो है ये कम्प्लीटली करेक्ट है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे दिखा दिए थे रफ में कि हम क्यों करते हैं, इसके जगह जी वाई की जगह अगर हम कुछ कॉन्स्टेंट भी लेते हैं तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। ओके अब यहाँ से हम एग्जैक्ट का डिफिनेशन बता दिए, तो बताओ यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को इस प्रूफ में, इस थ्योरम से? अब इसके आगे वर्किंग रूल देखेंगे। अच्छा एग्जैक्ट तो हो गया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देख लिए, उसके लिए एक सहायक हम देख लिए कि अच्छा एग्जैक्ट दिखाना है तो हम तो चेक तो कर लेंगे कि एग्जैक्ट है, डेल एम बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, हम चेक तो कर लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन का वर्किंग रूल अब देखेंगे हम लोग, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग किस कैसे करते हैं इस केस में। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। चलो उम्मीद करते हैं कि सबका सही हो गया होगा, कम से कम थ्योरम पे आधा घंटा भी पढ़ लोगे ना जो पढ़ाए हैं तो समझ में आ जाएगा थ्योरी, उसके बाद फिर क्वेश्चन तो करना ही करना है, क्वेश्चन से तो क्लियर होगा ही, लेकिन थ्योरी भी जानना जरूरी है, जैसे ये थ्योरी ज्यादा काम नहीं आएगा, बस तुमको यही पता है एग्जैक्ट चेक करने के लिए डेल एम बाई डेल वाई करते हैं इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये दिखा दिया तो एग्जैक्ट हो जाएगा, वो तो अलग बात है, लेकिन थ्योरी अगर समझ जाओ कि प्रूफ कैसे करना है, कहाँ क्या टर्निंग पॉइंट आएगा, तो यही तुम्हारा हेल्प आगे पढ़ने में काम आएगा, इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ओके अब इसका देखते हैं वर्किंग रूल, आज कितना है 17।
सर हाँ बोलो। सर 15 को क्लास हुई थी, 15 16 को ना संडे है, संडे को जो क्लास हुई थी वही है था क्या? हाँ। हम सोचे सर 15 को कब क्लास हो गया, मिस हो गया लगता। संडे को क्लास है, कल कल इसमें होना लिखा है। होगा तो 15 तारीख, इसीलिए सर। नहीं, गलती से हो गया। ठीक है, तो कल का ठीक। क्लास का है, 16 तारीख लिखा हुआ है यहाँ, 16 तारीख, 16 वाला। नहीं सर, मैसेज वाला लिखा। ओके, ओ अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग रूल, रूल फॉर सॉल्विंग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यानी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला जो होगा, व्हेन इट इज एग्जैक्ट, जब ये एग्जैक्ट है तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप में, स्टेप वन इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इंटीग्रेट एम, जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होगा एक्स और वाई का, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली बोलो या ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, वाई एज ए कॉन्स्टेंट, वाई को कॉन्स्टेंट मानते हुए एम को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे एक तरह से सोचो तो। ये जबकि पार्शियली डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता नहीं है, लेकिन ऐसे तो बोल सकते हैं, इसलिए हम वो वर्ड नहीं लिखे, या लिखे वाई को कॉन्स्टेंट मानते हुए तुमको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, किसको, एम को। दूसरा स्टेप में हम लोग काम करेंगे, इंटीग्रेट एन, या इंटीग्रेट एन विथ रेस्पेक्ट टू वाई ओनली, इस तरह से नहीं लिखते, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू वाई ओनली दोज टर्म्स ऑफ एन डू नॉट कंटेन एक्स, डू नॉट कंटेन एक्स, मतलब वाई के वैसे वैसे टर्म को हम लोग को इंटीग्रेट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, किसके टर्म को, एन के टर्म को, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है एन, इसके वैसे वैसे टर्म को इंटीग्रेट करना है वाई के रिस्पेक्ट में जिसमें कि मेरा एक्स नहीं है। जैसे अगर छोटा एज ए एग्जाम्पल सोचो, मान लो कि तुम्हारा एन दिया हुआ है 3x y + 2y² + 3, मान लो +7y, अब +3x, चलो ऐसा ही ले लेते हैं। तो तुमको इसको बोल रहा है इसमें कि इंटीग्रेट करो एन को वाई के रिस्पेक्ट में जिसमें कि वैसे वैसे टर्म को करना है जिसमें एक्स कंटेन नहीं है, ओनली दोज टर्म ऑफ एन डू नॉट कंटेन एक्स। अब इसमें तुमको इंटीग्रेट करना है इसको वाई के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करना है, डी वाई कर दिए, तो बताओ इसमें कौन कौन सा टर्म तुम लोगे, कॉन्सिडर करोगे इसमें से, 7y,2y² +3 + 7y हाँ ठीक है, इतना ही आएगा है ना, इसी को हमको करना है, +7y जिसमें जिसमें मेरा एक्स कंटेन है उसको हमको इंटीग्रेट नहीं करना है। ओके, यही बोलता है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग आसान से लिख सकते हैं, जो भी होगा इसमें 2/3y³ और +3y हो जाएगा +7/2y², ये आगे बढ़ेगी। इसमें कॉन्स्टेंट भी ले होगा, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंट को छोड़ देंगे, नहीं, कॉन्स्टेंट वाला भी आएगा, सिर्फ जिसमें एक्स है उसको छोड़ देना है। ओके, तीसरा स्टेप कहता है, दोनों कर दिए, तीसरा स्टेप में बोलेगा दोनों को कंबाइन कर लो एक साथ, अब दोनों को इक्वेट कर दो सी के, यानी कि दोनों को ऐड करके सी के इक्वल कर दो, वही तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन होगा, एक ही सी आएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। इक्वेट इक्वेट द सम ऑफ दोज टू इंटीग्रल, जो हम स्टेप वन और स्टेप टू में लिखे, सम ऑफ दिस टू इंटीग्रल्स, इंटीग्रल कौन कौन सा, जो भी हम देखे स्टेप वन एंड टू में, टू एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, टू एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, दैट मीन समझे दोनों को जोड़ दो, अब प्लस ये मान लो कि ये स्टेप वन वाला है, ये स्टेप टू वाला तुम्हारा था इंटीग्रेट, इसको एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के लिए हमको कर देना है, ये दोनों को जोड़ दो इक्वल सी कर दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, वही बात बोल रहा है यहाँ पे, यही तुम्हारा दे देगा जनरल सॉल्यूशन, टू
टू एन आर्बिट्री क्वेश्चन एंड दस वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड दस प्रकार से हमको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा. वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. अच्छा, इन शॉर्ट में अगर इसको हम लोग देखना चाहे, चलो ये तो ठीक है हम लोग देख लिया, लेकिन ये तीनों को एक जगह मिला दे तो हम कैसे लिखेंगे वो दिखाते हैं. इन शॉर्ट, द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा, अगर ये एग्जैक्ट है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो कैसे लिखा जाएगा. इच बोल रहा है इंटीग्रेट करो एम को एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, लिख देते हैं छोटा से, ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट. ठीक है, इस तरह से लिख दिए जिसमें वाई कॉन्स्टेंट होगा. प्लस बोल रहा है इंटीग्रेट करना है टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग एक्स, इस तरह से लिख देते हैं इसको, टर्म्स इन एन, एन जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है जिसमें कि कंटेन नहीं करे एक्स, कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग एक्स, इसको करना है वाई के रिस्पेक्ट में. ओके अब बराबर क्या हो जाएगा, सी, दोनों को जोड़ के सी से इक्वेट कर दिए, सी के लिए हो गया. यही तुम्हारा क्या दे देगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, क्या देगा, जनरल सॉल्यूशन दे देगा. क्लियर हो गया बात, फिर तो चेक करना है, जैसे चेक कर लेंगे कि हाँ एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन जो मेरा एम होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में है ना, तो उसको एम को एक्स के रिस्पेक्ट में हम ऐसा करेंगे वाई एज ए कॉन्स्टेंट लेके, प्लस एन वाले में वैसे वैसे टर्म लेंगे जिसमें मेरा एक्स नहीं हो उस टर्म को करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में इक्वल टू सी कर देंगे, यही मेरा दे देगा जनरल सॉल्यूशन. अब तैयार हो जाओ कॉपी कलम लेके, पहला तुम लोग बताना, तब तक हम पानी पियेंगे. एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन तो सिर्फ लिख दीजिए सर। हाँ सिर्फ क्वेश्चन ही लिखते हैं सॉल्व. एक क्वेश्चन अगर छोटा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर तुम अभी बना लिए तो हम समझ जाएंगे, पूरा समझिए, क्योंकि एक ही बार हम बताएं और इसका कोई एग्जाम्पल दिया नहीं है, और फिर भी अगर तुम बना लेते हो तो मान जाएंगे तुम सीख गए और आगे बहुत तेजी से सीखोगे, इतना मान के चलेंगे. बता बस इतना ही, ठीक है. इस सॉल्यूशन है, पहले तो चेक करो एग्जैक्ट है कि नहीं है, और ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन बना. आंसर बोले नहीं तो बन गया आराम से, ठीक है छोटा दिए, बाकी सबको हमको सिखाना है ना. बन गया तो अच्छी बात है, हम छोटा ही क्वेश्चन. जिसका हो जाएगा वो बस बोल देना कि हाँ हो गया, यस सर, हो गया सर, यस हो सर, गया ना, हो ठीक गया। है ओके. इतने हो गया, चंदन गया सर। चलो तुमसे भी हो गया, अच्छी बात है, दोनों चंदन रफ्तार में है, सही है. अच्छा मैं ज्वाइन नहीं हुआ, उसका नेटवर्क लगता प्रॉब्लम रहता है. एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है कि नहीं देख लो, है तो फिर चेक करो एग्जैक्ट के लिए कि एम को वाई के रिस्पेक्ट में और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली करके देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा. आ रहा है तो लिखो हाँ एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा हम यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन करके हमको बताओ.
बाकी सब का वेट कर रहे हैं, तब तक हम यहाँ कुछ लिख देते हैं इसको, क्योंकि इसको तो बना ही देंगे। हो गया, प्रोग्रेस में है सत्यम, तुम्हारा प्रोग्रेस में है। मुकेश तुम्हारा सर लास्ट में नहीं समझे सर, एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, ओ सर इंटरचेंज कर दे। ठीक है सर, समझ गए सर। हम मेरा वाला नहीं, हम तो ऐसे लिखे, अब आगे बताएं। तुम ऐसे जो बोले सॉल्यूशन करने के लिए, ये कहाँ तक पहुंचे ये बताओ, यहाँ तक पहुंचे कि नहीं? ये तो हम करने वाले हैं अभी, ऐसा तुम किए कि नहीं? क्या किया अभी तक? शिवाशीष हुआ ऐसा हम नहीं बोल रहे कि नहीं हुआ तो नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम अभी तुरंत बताए प्रोसेस स्टेप और तुरंत ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ स्क्रीन देखे होगे तो बना लोगे, अगर सर हल्का इधर उधर हुआ होगा तो मेरा फंस गया होगा। बहुत सारा क्लास मिसिंग है सर, इसलिए थोड़ा। कोई बात नहीं, क्लास मिसिंग को अभी इस वक्त रिलेट नहीं करता वो क्लास, हम अभी जस्ट ही बताए सारा चीज, ठीक है? कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं है ये हम मानते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस नहीं है, अगर यस प्रैक्टिस होगा तो तुरंत आ जाएगा, ऐसा नहीं कि पढ़ने में नहीं। अच्छे अच्छे लड़का का भी अगर प्रैक्टिस नहीं, अप्लाइड पोर्शन हमेशा प्रैक्टिस करने वाला चीज होता है, तो नहीं होने वाला है। अगर हम भी 1 साल छोड़ देंगे, 1 साल बाद देखेंगे तो मेरा भी हाथ क्या पहने काम नहीं करेगा, ऐसा होता है। तो प्रैक्टिस में रहेगा तो तुरंत 3 4 स्टेप आगे सोच लेंगे, वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, वो नॉलेज है ज्यादा कम उस पर डिपेंड नहीं करता है ये चीज। चलो हम यहाँ पे फिर एक बार दिखाते हैं, जिससे नहीं हुआ उसके लिए बोलते हैं, ठीक है? जिससे नहीं हुआ सिर्फ उसके लिए। यहाँ पे आज से स्टार्ट करते हैं, हम पिछले क्लास बताए थे कि अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना, सिर्फ उसके लिए एक थ्योरम बताए थे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो या नहीं भी है तो इस फॉर्म में पहले हम लेके आएंगे, अरेंज करके इस फॉर्म में लेके आएंगे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, वी कैन रिप्लेस या वी कैन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस ऑर्डर में हम उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है? इसमें जैसे लेके आएंगे तो अब हम चेक करने के लिए बोले, क्या चेक करना है तुमको? खाली ये बता दो एग्जैक्ट के लिए कि डेल एम बाई डेल वाई बराबर है कि नहीं डेल एन बाई डेल एक्स के। अगर ये बराबर हो गया तो हम बोलेंगे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, या जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट फॉर्म में है, इतना बोल सकते हैं, क्लियर? उनके बाद बोले कि अच्छा चलो एग्जैक्ट तो चेक कर लिए, अब एग्जैक्ट हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन तो हमको करना है, तो सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर बोले कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई तुम करोगे, अब ये एग्जैक्ट हो गया तो एम को तुम क्या कर दो, ये सॉल्यूशन दे रहा है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इस तरीके से दिया जाता है, क्या? इंटीग्रेट करो एम को वाई एज ए कॉन्स्टेंट मान के, एम में कोई ना कोई फंक्शन तो होगा जिसमें वाई को कॉन्स्टेंट मानना है और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एकदम क्लियर, ठीक है? एन वाले टर्म में बोले कि एन वाले टर्म में वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, लेकिन ध्यान रखो जिसमें जिसमें एक्स है वैसा वैसा टर्म में उस टर्म को हटा ही देना है। जैसे अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिए थे इस तरह से, इसलिए हम बोले स्क्रीन को ध्यान से देखना है, जैसे कि 3y² + 2xy + 5x² अब इसमें बोले कि वैसा यहाँ पे तीन टर्म है, तीन टर्म में बोले जिसमें जिसमें एक्स है उस टर्म को छोड़ दो, तो यहाँ पे देखो 5x² वाला को छोड़ दो और 2xy² वाला को छोड़ दो, 2xy वाला, तो मेरे पास n में कौन सा बचा, 3y² या कोई कांस्टेंट अगर ऐसा होगा तो 3y² को ही तुमको इसमें क्या करना है, डी वाई के रिस्पेक्ट यानी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और दोनों को जोड़ देना है और सी के इक्वेट कर देना है, यानी सी के बराबर कर दो, यही तुम्हारा दे देगा जनरल सॉल्यूशन, क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, ये चीज है, हम लिख दिया लिखने का तरीका जैसे एग्जाम में लिखता है उसके लिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज
इसको हम चाहते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, तो ये मेरा हो गया एम डी एक्स प्लस, ये मेरा हो गया एन डी वाई, वही लिख दिया, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब लिखेंगे एच एम डी एक्स लिख दिया, वेयर द एम बताओ क्या है, तो एम मेरा यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ठीक है, एंड एंड बताओ क्या है, तो एन मेरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि एम को क्या करो, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, एन को क्या करो एक्स के रिस्पेक्ट में, देखो दोनों बराबर है कि नहीं, अगर है तो एग्जैक्ट है, अगर नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है। तो डेल एम बाई डेल वाई करेंगे तो बताओ कितना होगा शिवाशीष तुम, अच्छा हम तो लिख ही दिए, चलो लिख दिए तो ठीक है, वन हो गया, ठीक है कि नहीं शिवाशीष बताओ, ये बताओ सही है कि नहीं, हाँ या ना, यस सर, सही है। अब डेल एन बाई डेल को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, तो बताओ कितना होगा, ये भी वन पार्शियल होगा मेरे। डेरिवेटिव, हाँ ये भी वन होगा 100% से, ये भी वन होगा। पार्शियल डेरिवेटिव पे शायद तुमको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल कैलकुलस में अभी हम ले रहे हैं, एक एक कण तक को अच्छे से समझा दिए हैं, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल करते क्यों है, जरूरत क्यों है, सारा चीजें हम लेंगे ही क्यों, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वो सब भी सारा चीजें बताएं। अब हो सकता है वहां पे बेसिक में तुम्हारा हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लेकिन ट्राई करना है, इसको तुमको करना है एन के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स तुम्हारा एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, पार्शियल डेरिवेटिव में वही ना करते हैं, डेल एन बाई डेल अगर एक्स करेंगे तो एक्स तुम्हारा एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तुम्हारा, ठीक है, तो इसका वन हो गया, वाई कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो गया। अब बताओ ये दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है, इसका मतलब क्या है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला क्या है, किस फॉर्म में है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट फॉर्म में है। अब एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया, देखो यहाँ पे डायरेक्ट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नहीं दिया था, लेकिन हम उसको अरेंज किए ना, एक माइनस कॉमन लेके अरेंज कर दिए, अब एग्जैक्ट आ गया, तो बताओ अब इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। सो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे और लिख सकते हो लैंग्वेज में, सो द अबव, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अब अगर एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, हैंड द सॉल्यूशन इज, या इस तरह से लिख सकते हो, हैंड द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या है? पहले हमको पार्सली एम को करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्सली नहीं कर बोलेंगे इसमें, ऐसा बोलेंगे जिसमें कि वाई एज ए कॉन्स्टेंट है, तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा एम क्या है, वाई माइनस एक्स है ना, तो हम यहाँ पे एम लिख देते हैं वाई माइनस एक्स, लेकिन ध्यान रहे डी एक्स लिखे हैं, लेकिन ध्यान रहे वाई एज ए कॉन्स्टेंट लेना है, प्लस ऐसा ऐसा एन एन का टर्म को करना है जिसमें मेरा एक्स कंटेन ना हो, तो बताओ एन में से यहाँ से कौन सा टर्म लिखोगे तुम, बताओ एन से कौन सा टर्म लोगे जिसमें एक्स कंटेन नहीं करता है, कौन सा टर्म वाई होगा, वाई होगा, ये अलग वाई टर्म है, टर्म समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट टर्म है या सेकेंड या जो भी बोलो, एक ये एक यस टर्म है, ये एक टर्म है, प्लस या जोड़ घटा कुछ लगे तो उसको हम टर्म बोलते हैं, अलग अलग एक टुकड़ा, तो यहाँ पे यस सिर्फ मेरा सर, वाई है, तो ये हो गया वाई डी वाई, अब बोले इसको सी के इक्वेट कर दो, अब यहाँ से क्या करना, ये हो जाएगा वाई और एक्स, क्योंकि वाई एज ए कॉन्स्टेंट है, अब एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, अब प्लस वाई का हो गया वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो तो कितना हो जाएगा, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया वाई स्क्वायर वाई माइनस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई टू एक्स वाई इक्वल टू टू सी, इक्वल बस टू ऐसा के थोड़ा अरेंज कर दिए, ये हो गया हाँ आंसर, या इस टू सी को कोई के अनदर क्वेश्चन ले लो तो ये आंसर होगा, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, सर, समझ गया। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, अभी तो बहुत छोटा क्वेश्चन शुरू किया, पार्शियली चेक करना है ना, चलो ठीक है दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करना है, एग्जाम्पल सॉल्व एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, देखो इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड थे, कि हम लोग निकाले थे एग्जैक्ट वाला में ही हम पूछे थे कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट पढ़े तो एग्जैक्ट से करेंगे इसको, ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करो तुम लोग, शुरू हो जाओ, एग्जैक्ट में है y x इक्वल टू c हो जाएगा सर। वो तो क्या, कितना होगा
एक्स वाई इक्वल टू वाई सी। एक्स इक्वल टू सी। हाँ एक्स वाई इक्वल टू या वाई एक्स इक्वल टू सी, ठीक है वही बात। चलो ठीक है, बाकी कोई बना और उसमें बताओ कि डेल एम बाय डेल एक्स, डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू कितना आया तुम्हारा, मतलब कोई और बताना जो भी बनाओगे, वन पार्शियल किसका डेरिवेटिव जो निकलते वैल्यू हैं। सर? डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू कितना आया वन, तुमसे? नहीं हाँ वन दोनों का आया, वन ठीक वन है आएगा सर। हाँ वन वन आ रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट है। हम इस तरह से पूछेंगे उल्टा पुल्टा करके ताकि हो जाएगा, जिससे नहीं होगा एकदम बोलना है कि सर हमसे नहीं हुआ है, ठीक है हम नहीं चाहते हैं कि मेरे क्लास में किसी का कमी रहे, अब लाइफ में तो कम से कम बनाएगा नहीं है। हाँ चलो सॉल्यूशन कर लो पूरा कंप्लीट, एक्स वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। अब हम इसको शॉर्टकट कर देते हैं, एक ऊपर में अच्छे से लिखा दिए कैसे हमको लिखना है, ठीक है अब इसको तो फटाफट कर ही देंगे। तो ये हो गया डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल वाई बाई डेल वाई, तो ये हो गया वन, और ये भी बराबर हो जाएगा तुम्हारा डेल एन बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो मिट्स द सॉल्यूशन इज जनरल, सॉल्यूशन इज तुम्हारा पार्शियली करेंगे एम को, तो यानी कि वाई को करना है प्लस, यहाँ पे तुम्हारा अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया इक्वल टू सी, ठीक है तो ये हो गया वाई एक्स इक्वल टू सी, यानी एक्स वाई इक्वल टू सी जो भी हो ये तुम्हारा हो गया। यस चलो ठीक है, यहाँ पे देख लो स्क्रीन में जिसका नहीं हुआ है उसके लिए कि सिंपल है, वाई एम है यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारा वाई है, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे एन हो जाए वन हो जाएगा, और यहाँ पे ये तुम्हारा एक्स क्या है फंक्शन ऑफ एन को बोलते हैं एन है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी वन हो गया, तो जनरल सोल्यूशन एम डी एक्स, एम वाला कौन सा है ये तुम्हारा एम है वाई, और प्लस एन डी वाई एन है तुम्हारा एन, ये है एन, तो एन तुम्हारा क्या एक ही एलिमेंट है एक ही टर्म है एक्स, अब हम बोले एन को वैसा वैसा टर्म को करना है जिसमें तुम्हारा एक्स कंटेन ना हो, अब कोई भी वैसा टर्म है ही नहीं, एक ही को टर्म है उसमें खाली एन है एक्स ही है, तो क्या हो जाएगा 0 ले लिए, कोई भी टर्म नहीं है तो 0, और क्या करेंगे उसको, हाँ या ये सर। पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं, है ना सिंपल सी बात है इक्वल टू 0, ये हो गया वाई ट्रीट होगा एज ए कॉन्स्टेंट डी एक्स का एक्स इक्वल टू सी, काम खत्म, क्लियर। एक और एग्जाम्पल बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं दूसरा? हाँ सर। पिंटू तुमको समझ में आया? ओके चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छे बढ़ते हैं, सॉल्व करो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, जो तुरंत सॉल्व कर लेगा ठीक है, जिसको थोड़ा दिक्कत होता है जहाँ वो अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो हमको सिर्फ ये बताओ एम का वैल्यू कितना आएगा फटाफट, जो जिसे हो जाता है उनके लिए नहीं है, जो थोड़ा पीछे चलता है उनसे पूछेंगे फिर, एम का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे एम बताना, एम ये एम वन आएगा एम वन आएगा, एम पूछ रहे हैं सिर्फ एम, सर। जी सर, अच्छा ठीक है बाकी कोई वाई बताना एम स्क्वायर कितना सर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा टू सही है। आएगा सर, एम टू आएगा ना। हाँ हम पूछ क्या रहे ध्यान देना, एम कौन सा होगा वाई स्क्वायर ना तो होगा, सर वन होगा सर, टी टू वाई स्क्वायर होगा सर। हाँ वही देखो तो इसलिए हम बार बार पूछ रहे थे एम बताना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई पहले तो ये है, तो हम सिर्फ एम पूछ रहे थे अभी पार्शियल नहीं सिर्फ एम, तो ये कितना होगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से यस एन तुम्हारा सर, कितना हो जाएगा टू एक्स वाई टू होगा, एक्स ठीक वाई, हाँ अब तू यस कर लो, ठीक सर, है कुछ क्या रहे थे उसको सुनना था, चलो ठीक है यस हाँ अब इसका डेल एम सॉल्यूशन वैल्यू बताना, कितना है? यस सर, बन गया सर, हाँ वाई स्क्वायर एक्स इक्वल सॉल्यूशन टू बताओ सी तुम ही, होगा। वाई स्क्वायर यस सर, हाँ बोलो बोलो वाई तुम ही स्क्वायर बोलो एक्स सॉल्व करो, इक्वल टू सी हो जाएगा। वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री आ गया यस सबका सर, बताओ, यस सर यस आ क्या, गया, यस सर आ गया। हाँ अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी, ये ठीक है सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। ओके
इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान से सुनना क्या बोलते हैं, ठीक है? एक बार सुन लो, अच्छे से देख लो, क्लियर हो जाएगा, आगे कभी भी डाउट नहीं होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एग्जैक्ट का कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। अब एग्जैक्ट खत्म नहीं हुआ है, एग्जैक्ट भरा पड़ा हुआ क्वेश्चन, अभी तक सिर्फ छोटा छोटा दिए चेक करने के लिए कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है? सर अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैम में है सर। में क्वेश्चन नहीं आता इससे, डायरेक्ट एग्जाम में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आता है जी। 2 नंबर का, 1 नंबर का, हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो होता ही होता है, कम से कम कभी तो दो दो क्वेश्चन दे जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर तक भी चला जाता है, एकदम है। इसलिए बोले यहां से मजा आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में हम पहले भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाए हैं, कोई बता सकता है? अभी फिर वापस पूछ रहे हैं, किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर? तुम क्या समझते हो इंटीग्रेटिंग सर फैक्टर के नाम से? वो मतलब वैसा स्टार्ट करने एक क्वांटिटी होता है बार। ना जिससे हाँ सुमित तुम ही बताओ क्या बोल रहे थे। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है सर, डिफरेंशिएट करने के बाद जो क्या कहते हैं गुना में रहता डिफरेंशिएट करने के बाद गुना में रहता है? नहीं, थोड़ा मजा नहीं आया, दूसरा सर। करवा लो। भाई सर हाँ हाँ बोलो, तुम ही बोलो। तो ऐसा कोई मतलब फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पर सर वो एग्जैक्ट के फॉर्म में आ जाए सर। हाँ ये थोड़ा सा हमको सही लगा, अच्छा लगा, यही हम बताए भी थे ऐसा इससे पहले भी। ऐसा फैक्टर या एक ऐसा फंक्शन जिसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये सही है, या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि ऐसा फैक्टर या ऐसा फंक्शन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्यूशन जो उसका हम निकालेंगे वो आसान हो जाएगा निकालना, है ना? उसका बोल सॉल्यूशन वही आसान हो रहे थे जाएगा। लेकिन सर बोल रहे थे वही बोला नहीं गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यानी जिसका इंटीग्रेशन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो मेनली इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके, एक हम इसका मतलब कुल मिला है कि ये क्या, एक फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में एक फैक्टर या एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कि एक्स वाई टाइप से भी हो सकता है, या सिर्फ एक्स का होगा या सिर्फ वाई का होगा, इस टाइप से भी हो सकता है, लेकिन एक फंक्शन ही है, एक फैक्टर है। ओके आ जाओ, उसका थोड़ा सा डिफिनेशन लिखते हैं, इसका लिखते हैं थोड़ा सा डिफिनेशन। इसमें एक काम करते हैं, इसमें कुछ एक्सरसाइज देते हैं, रुको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पहले 5-6 एक्सरसाइज देते हैं ताकि कल फिर हम इसमें पूछेंगे। आगे एग्जैक्ट का बहुत सारा आएगा, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि कुछ एक्सरसाइज इसमें बनाओ। चलो एक्सरसाइज देते हैं 2-3 क्वेश्चन। एक्सरसाइज है सॉल्व टू एक्स माइनस वाई प्लस वन डी एक्स प्लस, रौनक माइक बंद कर देना, साउंड आ रहा है। 2y-x-1 dy=0, एक हो गया। दूसरा दे देते हैं, ये भी लो, सॉल्व y 1+1/x, यानी कि y+y/x और प्लस cos y, ये हो गया dx, और प्लस x+ln x-x ln y, ओके ये हो गया dy=0। और एक देते हैं जो इसका तुम लोग ऑलरेडी बना चुके हो, लेकिन इसको एग्जैक्ट से बनाना, ठीक है? सॉल्व x dx+y dy+x dy-y dx x² + y² है ना? इसको हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी बाय इंस्पेक्शन मेथड से, खुद से सोच के कि इसका, या पोलर में चेंज करके इसको बना चुके हैं, ठीक है? इसको बनाना है, ये 3 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इसको एग्जैक्ट से बनाना है तीनों को। ये तो तुम्हारा दिख रहा है कि नॉन होमोजीनियस टाइप से भी हो जाएगा, है ना? नॉन होमोजीनियस दिख रहा है, वहां से भी हो जाएगा, ये भी तुम कोई हो सकता है कोई और मेथड से भी बनाए, लेकिन तीनों को यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्ट से ही बनाना है, क्लियर? अब आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन लिखते हैं, आगे याद आ रहेगा, कम से कम ये पता चलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। डिफिनेशन,
इफ एन इक्वेशन, कोई इक्वेशन है मेरे पास ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, जब कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं, इसको इम्प्लाई कर सकते हैं कि एग्जैक्ट नहीं है इन द सेंस कि डेल एम बाई डेल वाई बराबर नहीं होगा डेल एन बाई डेल एक्स, है कि नहीं, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट होता तो ये गारंटी है कि बराबर होगा, क्योंकि इम्प्लाइज कर जाएगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट है, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन दोनों के बीच का रिलेशन है कि अगर ये एग्जैक्ट है तो ये बराबर हो जाएगा, बोला ये एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी बराबर तुम्हारा नहीं है। अब ये बराबर नहीं है तो फिर जो हमसे सॉल्यूशन लिखे हुए थे वहां पे एम को पार्शियली करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई कॉन्स्टेंट लेना है, प्लस एन वाला को वैसा टर्म को करना है जिसमें एक्स कंटेन ना हो, है ना, इक्वल टू सी करेंगे, फिर ये सॉल्यूशन तुम नहीं कर सकती हो अगर एग्जैक्ट नहीं है तो, वो सिर्फ ओनली एग्जैक्ट के लिए वैलिड था। अब ये एग्जैक्ट नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा इसको, वही बनाने के लिए एक ऐसा फैक्टर एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा, जैसे एग्जैक्ट होगा तो फिर वो सॉल्यूशन जो था मेरा वो सॉल्यूशन का पैटर्न वो मेरा वर्क करेगा जो हम लिखाए थे सॉल्यूशन के लिए तीनों स्टेप या सबसे लास्ट वाला शॉर्ट में, वो फिर काम कर जाएगा सॉल्यूशन के लिए। अब इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए वैसा फंक्शन ढूंढेंगे, अब वो फंक्शन ढूंढने का भी तरीका होता है, इसका कोई जनरल फॉर्म नहीं होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कोई भी जनरल फॉर्म नहीं होता है जिससे कि हम हर फंक्शन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुरंत निकाल दे उस फॉर्म में लेके जाके, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कोई जनरल तरीका नहीं होता, ये तुमको सोचना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए चार मेथड अलग अलग है कि इस मेथड में है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इस मेथड में है तो ये होगा, वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा बाकी तुमको खुद से सोचना है। अब सोचने का भी एक तरीका होता है, वो सारा चीज बताएंगे, किस डायरेक्शन में तुमको सोचना है वो सिर्फ बताएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई फॉर्म में नहीं है तो उसको फॉर्म में लाने के लिए हम कैसे करेंगे, वो सब सारा चीज देखते हैं। अब बोलता है ये लैंग्वेज में ही है लेकिन लैंग्वेज को समझना, इट्स नॉट एग्जैक्ट, फिर बोलता है इट कैन ऑलवेज ऑलवेज बी मेड एग्जैक्ट, ऑलवेज बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय सम फंक्शन, कोई फंक्शन होगा सम फंक्शन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अब बोलता है सच ए मल्टीप्लायर, उस टाइप के मल्टीप्लायर, उस टाइप का बोल रहा है सच ए मल्टीप्लायर, दैट मीन्स इस लैंग्वेज में बहुत सा चीज छुपा हुआ है कि एग्जैक्ट तुम्हारा यूनिक नहीं हो सकता, उस टाइप का मल्टीप्लायर इसका मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो गया तुम्हारा क्लियर यहां तक। जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता है तो उसको हमेशा हम एग्जैक्ट बना सकते हैं कुछ मल्टीप्लाई करके, सम फंक्शन एक्स एंड वाई का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई करके, वही फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब आता है एक चीज कि अच्छा उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो यूनिक नहीं होता है, पहला बात हम ये बोले, जरूरी नहीं है किसी एक फंक्शन को निकालने के लिए एक ही कोई मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं सपोज करो कि एक्स डी वाई, चलो यहाँ पे आप समझाते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, और इसी में से एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, अब इसको तुमको चेक करना है एग्जैक्ट है कि नहीं, बताओ ये एग्जैक्ट है नो सर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, नहीं है, नो सर, नो अच्छा सर नहीं है। हाँ, तो डेल एम बाई डेल वाई करने पे कितना आता है बताओ, -1 माइनस वन, अच्छा चलो ठीक है, डेल एन बाई डेल एक्स करने पे कितना आता है वन वन वन, सर इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, है ना, जब दोनों बराबर नहीं है यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारे पास ये क्या है, तुम्हारे पास एम,
इसको वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1, क्योंकि ये पूरा -y ना है, यहाँ प्लस के साथ हम लोग करते हैं ना फॉर्म में, देखो प्लस है सर ना। माइनस कॉमन ले लेंगे तब हो जाएगा बराबर, नहीं कैसे हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे अच्छा माइनस कॉमन होगा माइनस डी इससे। वाई नहीं होगा, माइनस हाँ एक्स डी वाई नहीं होगा। अब बताओ, यहाँ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो गया इक्वल टू 0। अब बताओ अब करोगे, ये तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, फिर ये तुम्हारा -1 हो जाएगा यहाँ पे, तब क्या हो गया, जी अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया तो फिर ये -1 हो जाएगा। नहीं जी सर, हाँ तो फिर भी एग्जैक्ट होगा, नहीं ना होगा, अब नहीं एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। अब बताओ इसमें क्या एक ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाई करे कि एग्जैक्ट बन जाएगा, उसी को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाई करे इसमें कि 1/x² वो, सर। हम इसको कर सकते हैं 1/x² से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर इसको हम लोग कर दे तो इस तरह से x², यानी दैट मीन्स 1/x² ही है ये, है ना, ये इक्वल टू 0 हो गया 1/x². अब चेक करो ये कितना हो गया, 1/x dy और -y/x² dx। अब बताओ एग्जैक्ट है कि नहीं, चेक करो फिर, डेल एम बाई डेल वाई करो, एम क्या है तुम्हारा यहाँ पे, एम है -y/x² को तुमको वाई के रिस्पेक्ट में करना है, यही ना करना है, यस सर बताओ ठीक इसका है, वैल्यू कितना है, -1/x² आ जाएगा, दोनों -1/x² वाई इक्वल के है। रिस्पेक्ट में। अब डेल एन बाई डेल एक्स करो, यहाँ पे तुम्हारा एन क्या है, डेल 1/x, और डेल एक्स करोगे 1/x को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1/x², समझ में आ रहा सबको। अब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया, और जब बराबर हो गया ये दोनों, तो इसका मतलब अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है तुम्हारा, एग्जैक्ट है। अब 1/x² लेफ्ट साइड भी करोगे, 1/x² राइट साइड भी मल्टीप्लाई करोगे, तो राइट साइड में ऑलरेडी 0 है, 0/1x को मल्टीप्लाई करो तो ये 0 अगेन दे दिया, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में है, और जैसे एग्जैक्ट में है तुम इसको इस तरह से लिखे, अब इसका सॉल्यूशन कर सकते हो ना, इसका सॉल्यूशन कैसे दे देगा इसका, अगर मान लो सॉल्यूशन लिखना हो तो 1 बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, -y/x² को dx x के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस इसमें से कौन सा कैसा टर्म, इसमें तो 0 ही हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू c, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारा m है x के रिस्पेक्ट में करना है, कितना हो जाएगा वाई y वाई बाई एक्स हो इक्वल टू जाएगा ना। सी एक्स हो जाएगा सर। हाँ तो ये हो गया c, इसका मतलब y इक्वल टू सी एक्स आंसर, बता ये तुम्हारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक, या y बाई एक्स टाइप से आ गया, अब तुम्हारा एग्जैक्ट हो गया। सो लेकिन ये जब सिर्फ ये वाला फंक्शन था, जब सिर्फ ओनली ये था, ये एग्जैक्ट नहीं था तुम्हारा, नहीं ना था, यहाँ पे हम लोग देखे इसमें इसका पता वैल्यू 1 है कैसे क्या चला नहीं कि था, x² से भाग देना है सर? वही तो बताएंगे, वही तो कारण है, ठीक है। अब कैसे पता चला, एकदम सही सवाल है, हमको कैसे पता चलेगा कि 1/x² से डिवाइड करना है, क्या इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं हो सकता है, सवाल तो यही ना है, यही बताना चाह रहे थे, क्या 1/x² के अलावा कोई और फंक्शन नहीं हो सकता है जिससे हो सकता है कि डिवाइड करे तो भी ये एग्जैक्ट बन जाए, एकदम होगा, बहुत सारा ऐसा फंक्शन मिल जाएगा सिर्फ 1/x² के अलावा, बहुत सारा मिल सकता है जिसको इसे डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x से भी ट्राई हो सकता है, क्या 1/x⁴ से नहीं हो सकता है जिसको हम लोग डिवाइड करें, हो सकता है वो एग्जैक्ट बन जाए, करके देखो 1/x³ से करके देखो तो क्या होता है, हो सकता है कि हो जाए तुम्हारा उसमें, ठीक है मान के चलो। तो इसी में हम ये बताना चाह रहे हैं, इट कैन ऑलवेज मेड बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सच इम्प्लायर, इसको जो कहते हैं मल्टीप्लायर को इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये दिस इज नॉट यूनिक, पहला बात तो ये यूनिक नहीं होता है, मतलब ओनली वन फंक्शन 1/x² नहीं है इसके पास जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये एग्जैक्ट बन जाए, उसके अलावा बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, हम दिखाएंगे भी आगे चल के, बहुत सारा ऐसा फंक्शन मिल जाएगा, पहला बात यूनिक नहीं है। अब बात आता है कि इसको 1/x² हम ढूंढे कैसे, या इस टाइप का ऐसा फंक्शन हम कैसे ढूंढेंगे जिसको ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट बन जाए, अब उनका अलग अलग मेथड है वो बताने वाले हैं, क्लियर हुआ, चलो अच्छी बात है, अब इनको हम मिटाते हैं, वही बताएंगे कि कैसे ढूंढेंगे हम, कैसे सोचेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है हायर के लिए भी है, साथ में ऑप्शनल वालों के लिए भी है, नहीं कुल मिला के ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जैक्ट वाला, तो थोड़ा सा अच्छे से चलते हैं, ठीक है ये एग्जाम्पल था, इसको भी हटाते हैं। अब एक थ्योरम हम वो लिखाते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल है, पूछता उछता कहीं नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है थ्योरम, द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन MdX+ Ndy इक्वल टू 0 होता है, प्रोसेस
एंड इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रख सकता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पोसेस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक दो छोड़ो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसको प्रूव करने वाले हैं, ये एडिशनल है, इसको सोचो, इससे बहुत सारा चीज क्लियर होगा, इसलिए बताएंगे इसको प्रूफ। सबसे पहले तो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, MDF। सर ये सब प्रूफ पूछता भी है सर कहीं पे? ना 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 कहीं नहीं पूछता है, लेकिन तुम्हारे लिए नॉलेज के लिए जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट किसी से क्लियर होगा। ठीक है, एकदम नहीं पूछता है, इसलिए तो बोले पहले एडिशनल है ये। ठीक है, इनफाइनाइट कभी कभी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते बनाते ऐसा जानबूझ के कुछ देता है कि एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मान लो ए बी सी डी दिया, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, ऐसा रहा। अब एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, अब तुम पता चले एगो फटाक से लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, जी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मल्टीपल स्लैक नहीं पूछेगा। अब जैसे एगो उठाए मल्टीप्लाई करके देखे, अच्छा ये तो हो गया, एग्जैक्ट हो गया, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और अक्सर दूसरा तीसरा तुम चेक करना भूल जाओगे, उस केस में पता चलता है चारों का चारों भी है, कभी तीनों को है, यूनिक नहीं होता है ना, तो वो हम बताएंगे कि यूनिक कैसे नहीं होता है। अगर ये थ्योरम अभी माइंड में चल जाएगा तो आगे चल के जैसे जैसे क्वेश्चन होगा ना, तुम्हारा माइंड में हिट करेगा, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला है ना, यूनिक तो नहीं होता है, कम से कम कभी ना कभी तो जाएगा ना ये माइंड में, तो मिस्टेक जो है गलती नहीं होगा, इसलिए बताते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे थ्योरम लिखा के छोड़ सकते थे स्टेटमेंट, लेकिन प्रूव कर देते हैं कैसे नहीं होता ये जानना जरूरी है। ओके, गिवन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लेते हैं लेट कोई फंक्शन है म्यू, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ही लेते हैं, बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं कुछ, वन कर दिए, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है म्यू। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ वन। ठीक है, देन बाय डिफिनेशन, देन बाय डिफिनेशन, अच्छा अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसके साथ हम इस म्यू फंक्शन को अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा एग्जैक्ट हो जाएगा, है ना, हम माने हुए इंटीग्रेटिंग यस फैक्टर है सर। एकदम। तो इसको क्या करते हैं, म्यू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है तो हम सिर्फ म्यू ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड डीवाई इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया, देन बाय डिफिनेशन इज, इसको लिख देते हैं इसी तरह से, विल बी कर देते हैं, होगा, विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर बोलेगा भाई डिफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स वाई मिलेगा सच दैट, कि उस पूरे फंक्शन का टोटल डिफरेंशिएशन अगर कर देते हो तो तुमको म्यू और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ना एग्जैक्ट है, एक ऐसा फंक्शन मिलेगा एफ एक्स वाई बाय डिफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट, समझ में आ रहा है, वहां चला गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम एफ एक्स वाई को कोई अनदर फंक्शन वी एक्स वाई देते हैं, वी एक्स वाई, तब हम यहाँ बोलते हैं सो बाय डिफिनेशन ऑफ, सो बाय डिफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट, ऐसे लिख देते हैं, सारा चीज खुद से है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दियर एग्जिस्ट है, दियर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एक्स वाई को हम वी मान लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स वाई भी लिख सकते थे, वी एक्स वाई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, सच दैट कि अगर डी वी एक्स वाई कर दे तो मेरा फॉर्म दे देगा वो कौन सा, म्यू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई देगा कि नहीं, क्लियर, यहाँ तक यही ना फॉर्म देता था, ये एग्जैक्ट है, इसका मतलब ये फॉर्म देगा, हम मान लिए ना यस ये सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मल्टीप्लाई के एग्जैक्ट हो गया, विल भी एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट है तो ऐसा भी मिलेगा हमको। अब यहाँ से हम एक सब लिखते हैं, वो बताना सही है कि नहीं, सो वी जो है तुम्हारा एक्स एफ एक्स वाई वाला फंक्शन जो है वो हम लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इज ए सॉल्यूशन ऑफ, कॉन्स्टेंट इज ए सॉल्यूशन ऑफ वन,
अब बताओ ये वी एफ एक्स वाई है तुम्हारा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट बोल दिए, अब बोल दिए वो सॉल्यूशन होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, बताओ ये सही है कि नहीं, अगर है तो कैसे है। ये डीवी की है, ये आ गया, अगर ये आ गया तो बोल रहे ये तुम्हारा सॉल्यूशन होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे होगा सॉल्यूशन उसका, वो भी कैसा सॉल्यूशन, कांस्टेंट सॉल्यूशन। सर ई एम डी एक्स प्लस एल डी वाई को कोशिश मानी। हाँ बोलो बोलो, शायद तुम सही जा रहे हो, बोलो। सर क्या कहते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को हम भी माने। भी माने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को, नहीं, उसको भी नहीं माने हैं उसे, नहीं, हम बोले हैं कि ये एग्जैक्ट होगा तो एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसको हम टोटल डिफरेंशिएशन करने पे ये आता है, उसके बाद हम जस्ट बोल दिया या शो के जगह लगा दो, इसीलिए इसीलिए ऐसा बोल इसको दिया। ठीक कुछ है, भी मान लेंगे या टीए मान लेंगे। किसको, इसको, अच्छा ठीक है, टी मान लिया, ठीक है, उसके बाद टी तो एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल मानना पड़ेगा, टी एक्स वाई, लेकिन इसमें ध्यान रखो कि डेरिवेटिव भी घुसा हुआ है ना, डी वाई डी एक्स भी है, देखो है ना। अच्छा नहीं, कोई ध्यान दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम भी एग्जाम में ध्यान नहीं दिए थे, मेरा भी एक नंबर इसमें कटा था जब मैं, ओके, क्योंकि हम जो गलती किए हैं वही दिखाते हैं, देखो किसी के माइंड में नहीं जा रहा है, हम इसका सॉल्यूशन बोले हैं, क्लियर, ये क्या है, जीरो के बराबर है, इनका सॉल्यूशन बोले हैं, इनको लिखे हैं, क्या इसको हम जीरो कर सकते हैं, पहले बताओ हाँ या ना, यस क्या सर, इसको हम जीरो लिख सकते हैं, तब जीरो लिख यस सर, दिए, डी ऑफ वी एक्स वाई है ना, ये जीरो हो गया, इसका मतलब तुम अगर इंटीग्रेशन लगाओगे तो वी एक्स वाई बराबर कोई ना कम से कम एक कॉन्स्टेंट वाला सॉल्यूशन तो आएगा यस या सर, ना, हाँ देयर सामने एग्जिस्ट आया, सॉल्यूशन आएगा ऐसा सर होगा जो कि इसमें। कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन होगा, ये कांस्टेंट सॉल्यूशन भी एक सॉल्यूशन होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, समझ में आ रहा है, इसीलिए लिखे, इसीलिए भी जो कांस्टेंट यस सर, इज ए हाँ सॉल्यूशन ऑफ वन, वी बराबर ये कांस्टेंट सॉल्यूशन ले लिए, यही हम छोड़ दिए थे मल्टीपल चॉइस में, हमको अभी भी पछतावा है उसका, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में था, सारे सॉल्यूशन निकाल दिए, लेकिन वहां फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, अब ऑप्शन में था, बोला था कि उसमें से सॉल्यूशन ढूंढो, हम तीन दो सॉल्यूशन ढूंढ दिया, तीसरा आंखों के सामने था लेकिन दिख नहीं रहा था, तो वो भी तो एक सॉल्यूशन होगा क्योंकि वो भी सर तो डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट, को सेटिस्फाई करेगा। हाँ बोलो, सर यस सर कांस्टेंट सही कैसे बात हमको समझ नहीं आ रहा, हमको ऐसा लग रहा है जीरो ही होगा। न, देखो 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 यहाँ देखो, ये क्या है, जीरो के इक्वेट है, ये क्या है, जीरो के इक्वेट है, इसका मतलब इसको हम जीरो लिखे, इसका मतलब हम डी ऑफ वी यस एक्स वाई इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, अब क्या है डी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का या किसी का भी, अब ये जीरो के हाँ इक्वेट सर, हो गया, इसका मतलब इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो राइट साइड भी इंटीग्रेशन आएगा, अब जीरो का इंटीग्रेशन तुम अच्छा किसी कोई के भी इक्वेशन कांस्टेंट में भी तो आ करो, सकता है। एक हाँ हाँ कॉन्स्टेंट तो आएगा ना, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट आएगा यस सर, ना, यस इसका सर, मतलब क्या हो गया, वी बराबर जो हाँ यस कॉन्स्टेंट सर, लिखे ये चीज इज ए सॉल्यूशन ऑफ वन, समझे, कहाँ आंखों यस के सामने में है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है चलो समझ में आया, यहाँ तक बुक ये चीज नहीं लिखेगा, वो सीधे लिख देता है, लेकिन वो तुम समझो कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, यही तो चीज है बुक का खासियत, सारे चीज को एक जगह समेट देता है वो, अब अगर ये कांस्टेंट हो गया ना, अब हम फंक्शन का फंक्शन बनाते हैं, अब एज्यूम करता है कुछ और चीज, देखो बड़ा अजीब खेल है ये, एज्यूम फिर अब वापस कर रहा है, एज्यूम डैट पहले उसको बताया कि तुम्हारा वी जो है वो फंक्शन ये होगा कांस्टेंट फंक्शन भी होगा जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, अब बोलता है अच्छा ये कांस्टेंट फंक्शन भी होगा ना, चलो इसको भी इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, अब बोलते हैं एफ वी, मतलब डोमेन को जो फंक्शन एफ है उसका डोमेन ही वी फंक्शन को ले रहा है, एज्यूम डेट एफ वी बी एनी फंक्शन, अब बोलता है ये एनी फंक्शन क्योंकि अब बोल रहा है कि वी तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन है, अगर कांस्टेंट भी है तो एफ वी भी हम कोई फंक्शन ले सकते हैं, इसलिए बोल रहा है एनी फंक्शन, एनी फंक्शन ऑफ वी, वी का ही लेंगे, अगर ये एनी फंक्शन है वी का, अब इसको क्या बोल देगा, चलो ये कोई भी फंक्शन है तो हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कुछ इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसका इक्वेशन क्या सेकेंड दे देते हैं सर, ठीक है, एनी फंक्शन ऑफ वी सो बाई टू, एनी फंक्शन ऑफ सो बाई सेकेंड से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वी हैव दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ बी से अगर तुम लेफ्ट राइट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ बी
और यहाँ पे तुम्हारा है डीवी, तो डीवी इस तरह से लिख दे, कोई दिक्कत यहाँ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है छुपा हुआ, कोई प्रॉब्लम यस नहीं सर है, ठीक वही है चीज सर। है। वी में सर डी हाँ वी में टू वेरिएबल है, इसमें तो एफ ऑफ बी में तो एक ही है ना। हाँ वो कॉन्स्टेंट वाला ले रहा है, पहले कॉन्स्टेंट बताया हूँ, अब बोल रहा है कि कॉन्स्टेंट वाला से लेंगे। अब इसको म्यू है इधर, म्यू भी तुम्हारा क्या है, म्यू भी एफएक्स वाई टाइप से है, ध्यान रखना यहाँ एफएक्स वाई छुपा हुआ है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है यहाँ, इसलिए हम म्यू लिखे, अलग से फंक्शन है, और तुम्हारा एफ वी भी है, ये मल्टीप्लाई है पूरे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एन डी वाई ठीक है। अब चीज कहीं अब साइड में हमको, लिख दीजिए म्यू बराबर। हाँ लिख देना यहाँ पे, म्यू तो दिया हुआ है ऑलरेडी, हम यहाँ भी लिखे हुए हैं स्टार्टिंग में भी लिख दिया, देखो म्यू एफ एक्स वाई जो फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग फंक्शन हम माने हुए हैं ना इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक। ठीक है अब अच्छा एक चीज बताओ, क्या अभी भी ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या अभी भी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसको इक्वल टू जीरो कर करते हैं, मैंने इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वल टू जीरो करेंगे ठीक है, क्या अभी भी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं सर। नहीं है, क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, बराबर नहीं होगा कैसे तुम समझे कि बराबर नहीं होगा क्यों बोले नहीं है तो हम एग्जैक्ट एग्जैक्ट है, एकदम है एग्जैक्ट सर। है, यस क्यों बताओ तो, अभी तो कांस्टेंट फंक्शन टाइप से है ना, सर अभी हाँ यस सर, कांस्टेंट है तो अभी तो अभी होगा तो कांस्टेंट अभी है, उससे उससे कांस्टेंट है, कर अब लेना। कांस्टेंट को कोई हाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाई से करने से मल्टीप्लाई करोगे तो यस कोई सर, फर्क कोई दिक्कत पड़ेगा, नहीं, वो तो नहीं दोनों सर साइड डेल डेल एम बाई डेल वाई में भी रहेगा वही कॉन्स्टेंट, और डेल एन बाई डेल एक्स में भी वही कॉन्स्टेंट घुसा हुआ रहेगा, तो फर्क पड़ेगा, बराबर तो होगा ही, होगा ना अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब अब हम वापस नया इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे यू एफ भी को, क्यों, क्योंकि मेरा तो गिवन यही डिफरेंशियल इक्वेशन था, अब मेरा इसका मतलब ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट है, दैट मीन्स इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब कौन सा नया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, यू और एफ भी, यानी कि तुम्हारा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल था म्यू, कौन सा था म्यू, रुको एक मिनट, हाँ ये लो म्यू एक्स वाई हो गया, और इनटू कांस्टेंट वाला फंक्शन ये था, अब बोलेंगे ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, नया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जबकि हम मान के चले थे सिर्फ म्यू एफ एक्स वाई है, अब बोलेगा अच्छा ये नया इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो एफ बी क्या है, तो बोलेंगे एफ बी इज एनी फंक्शन ऑफ वी, एनी फंक्शन यानी कि आर्बिट्रेरी फंक्शन है, यानी पूरा रियल नंबर से इनफाइनाइट फंक्शन भी ले लो, इसका मतलब कोई भी फंक्शन लेते जाओ म्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, सारा का सारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनते जाएगा, सारा का सारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनते जाएगा, तो कुल मिला के तुम्हारे पास कितना सारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक इनफाइनाइट है, आया कि नहीं, इनफाइनाइट हो इनफाइनाइट जाएगा है सर। ना, लॉजिक कैसे कैसे घुमा रहा है मैथमेटिक्स से, घूम यस रहे हो सर। कैसे कैसे, एक लेके चला इनफाइनाइट बना दिया, सोचो इसके अंदर शानदार बात बोलते हैं, अब तुम अब क्वेश्चन में जाओगे तो क्वेश्चन में ढूंढते रहो निकालते रहो बनते जाएगा, ढूंढते रहो निकालते रहो बनते जाएगा, यूनिक तो नहीं है, छोटा छोटा चीज छुपा हुआ रहता है एक टर्म में, यहीं से ये बोलेगा सिंस, लिख देते हैं ये तुम्हारे चांद बुक से ही हम लिए हुए, हमको अच्छा लगा तो हम आज पढ़ा रहे हैं, कि ठीक लगा, ये पिछले को नहीं पढ़ाया था लेकिन हमको लगा कि बताना चाहिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, बहुत सारा चीज लिख के रखता है इस चांद में ठीक है। अब यहां से लिखते हैं सिंस, सिंस म्यू एफ वी इसको इस तरह से लिखे यार, ये चूंकि ये तो एग्जैक्ट है ही एफ वी डी वी ठीक है, या इसको इसी तरह से म्यू एफ वी ऐसा ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, एन डी वक्स इच विल विल बी इजी लिखते हैं, होगा ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है क्योंकि हमको उतना आदत नहीं है प्रॉपर लैंग्वेज लिखने का, नहीं हम लिखे हैं तो संभाल लेना, बस खाली समझ रहे हो ना बात, कि हम बताना क्या चाह रहे थे, तो हो गया इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो या हेंस बाय डिफिनेशन, हेंस बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन, इट फॉलोज फॉलोज दैट म्यू तो था ही साथ में तुम्हारा एफ भी आ गया, ये भी क्या हो जाएगा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, अब फिर बात बोलता है सिंस फिर वापस कि एफ भी जो तुम्हारा है इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ वी, इसका मतलब इट फॉलोज
फॉलोज दैट, पहला इक्वेशन था मेरा वन इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो हैज एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, IF, ठीक है, क्लियर हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा यहां से। चलो अच्छी बात है, अब हम देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका, तो देखेंगे धीरे धीरे, उससे पहले देख लेते हैं बाय इन्फेक्शन मेथड से, इन्फेक्शन से हम लोग कैसे सोचेंगे कि जैसे इसमें था अभी, अच्छा एग्जाम्पल तो हटा दिए वो, कि एक जस्ट दिखाए थे ना कि एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स टाइप से इक्वल टू जीरो कर दिए, तो इसका हम वन बाई एक्स स्क्वायर ढूंढ के निकाले, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर रहे तो हम ये सोच के चलेंगे कि वन बाय एक्स स्क्वायर से करने पे शायद ये हो जाता है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये डी ऑफ एक्स बाई वाई हो जाएगा या वाई बाई एक्स हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये सोचना पड़ेगा कि वाई बाई एक्स का जो है, वाई बाई एक्स का ही ये क्या टोटल डिफ्रेंशिएशन हम ऐसा दे सकते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का आगे चीज अगर कहीं देखेगा उसको सीधे लिख देंगे डी ऑफ वाई बाई एक्स, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई बाई एक्स इक्वल टू सी जो होगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने खुद से सोचना है, एक हिडन ट्रायल मेथड हो जाएगा, ये हिडन ट्रायल है कि लो और यूज करके देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है कि नहीं होता है, उसका कुछ रूल है, कुछ बहुत सारा मतलब दिया हुआ फॉर्मूला है कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा करना, उसको हम लिखा देते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड, क्योंकि इसका कोई जनरल मेथड नहीं होता इंटीग्रेटिंग फाइंड करने का, कोई भी जनरल मेथड किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, मान लो ऐसा कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अब बोलोगे इसका कोई मेथड बता दीजिए सर, कि जनरल मेथड की कोई ऐसा भी रहे क्वेश्चन, बस वो जनरल मेथड में हम अप्लाई करेंगे मेरे पास सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ जाएगा, तो ऐसा है ही नहीं, देयर इज नो एनी जनरल मेथड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, तो पहला आता है बाय इंस्पेक्शन मेथड, ये देखते हैं। ये फाउंड बाय इंस्पेक्शन, यहीं से इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट, या इसको बोल देते हैं रूल वन, रूल वन ही नहीं, चलो छोड़, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं फाउंड बाय इंस्पेक्शन, ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो वही देंगे जो हम अभी एग्जांपल में दिए थे, पहला अगर तुम्हारे पास डी ऑफ वाई बाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्लियर स्क्वायर है ना, मतलब अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है तुम्हारे पास पहले से, अगर ऐसा कुछ डिवीजन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं है, तो वन बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे तुम्हारे माइंड में ये चलना चाहिए कि ये टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स का हो जाए, ऐसा सोचो, तो वन बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल डिफरेंशिएशन वाई बाई एक्स हो जाएगा, इसका मतलब इसका अगर जब हम सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तुम्हारा क्या देगा, इंटीग्रेशन करोगे तो वाई बाई एक्स और राइट साइड वही हो गया इक्वल टू जीरो है तो इक्वल टू सी, ये तुम्हारा होने से मैंने माइंड में क्या चलना चाहिए कि डी ऑफ वाई बाई एक्स टाइप से इसको कैसे बनाएं इनको, अगर ये सिर्फ दिया हुआ है तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स तो चलेगा, अच्छा एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं या एक्स स्क्वायर से वन बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई बाई एक्स टाइप से हो जाए, ये चलेगा, ठीक है, ये कुछ है इसका, अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, जैसे दूसरा नंबर उल्टा कर दिए डी ऑफ एक्स बाई वाई कर दिए, ठीक है, तो ये कैसा दे देगा वाई डी एक्स y माइनस dx हो जाएगा माइनस x हाँ एक्स dy डी वाई बाई नीचे वाई अपॉन स्क्वायर y हो जाएगा, स्क्वायर है ना, अब यही चीज है यहाँ पे, अगर वाई डी एक्स रहता है माइनस एक्स डी वाई कुछ नहीं है, बस यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए हैं वही चीज है, तो वन बाई वाई स्क्वायर से भी तुम डिवाइड करोगे तो भी क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देगा, अब देखो यहीं पे इस दोनों क्वेश्चन में देख लो एक कॉमन, क्या कॉमन है, बस यहाँ से सिंपल माइनस कॉमन लिया है और कुछ भी नहीं किया है, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई, अब वही चीज है, तो क्या वन बाई एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे करते तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होता, या हो सकता था माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हम कर देते मल्टीप्लाई,
तो यहीं पे तो दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहीं दिख गया किसके लिए, कौन से, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अगर तुमको क्वेश्चन दे दे तो पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ये बोल देंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहला क्या हो जाएगा, मान लो 1/x² भी हो सकता है, या दूसरा भी हम बोल सकते हैं -1/y², क्या नहीं बोल सकते हैं? यस सर। हाँ, दोनों मल्टीप्लाई करो दोनों हो जाएगा, या 1/y² बोलो और दूसरा बोलो -1/x², क्या नहीं हो सकता है? हो जाएगा, ट्राई करके देखो तो होता है कि नहीं होता है। 1/x² से तो इसको देख लिए ना, अब इन्हीं को देखो -1/y² करो, तो -1/y² करोगे तो देखो ये चीज आ जाएगा, आएगा ना ये चीज, जैसे ये चीज आया तो इसका डायरेक्ट तो दिया हुआ, इसका मतलब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो तो इसका सॉल्यूशन क्या दे देगा, x/y = c दे देगा, दैट मींस x = yc हो जाएगा, इसका ऊपर का क्या था y = xc, सॉल्यूशन तो हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है वो अलग चीज है, सॉल्यूशन तो हो रहा है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन का दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो अब ये निकाल दिए इनका हम दो, ये किए एक ही है, ठीक है। इस तरह से चाहो तो लाखों निकल सकता है, इनफाइनाइट तक तो हम प्रूव कर दिए थे हमने। अब ये हो गया प्रैक्टिकल करना, देखना कर करके, चलो ये दो हो गया, आगे देखते हैं ऐसा क्या करें। कोई इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोई ऐसा सोचेगा कि 1/x² से मल्टीप्लाई करे, कोई वही उसके लिए ऐसा सोचेगा कि -1/y² से मल्टीप्लाई कर दे, अलग अलग सबका अलग अलग सोच सकता है, एकदम सही है सबका सही है। तीसरा देखो, तीसरा हो सकता है, ठीक है, तीसरा ऐसे उल्टा लिखते हैं, उल्टा में शायद हमको लगता है ज्यादा फायदा करेगा। जैसे कि अगर तुम्हारा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। XY, यस हाँ, ऐसा ज्यादा अच्छा लग रहा है सोचने में कि ऐसा ज्यादा अच्छा लगता है, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, वही चीज है, लेफ्ट और राइट करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमको एक तरफ से चलने का एक तरफ से जाने का आदत ज्यादा रहता यही है, ठीक है सर, जल्दी नीचे वाला। लिखें। यस सर, 3 नंबर। अच्छा ठीक है, तो उसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। कुछ है इसमें से 8-10-12 को है जो कि थोड़ा सा अगर देख लोगे एक झलक तो जब क्वेश्चन बनाओगे तो डायरेक्ट तुमको निकल जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके अलावा तो 4 मेथड तो अभी बाकी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकालने का सर है फर्स्ट तुमको। वाला जो लिखे हैं, हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाला जो लिखे हैं, जैसे डी इंटू वाई बाय एक्स बराबर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, हाँ इसको सर जैसे ऐसे नहीं, मतलब लग रहा है जो मतलब इसको दोनों को सिर्फ अलग अलग करेंगे, सेकंड इस साइड वाला जो पार्ट है एक्स डी वाई और माइनस वाई डी, इसको जैसे एक्स डी वाई बाय एक्स स्क्वायर हाँ माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका हाँ नहीं लग रहा है जो फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन सेकेंड वाला में है सर, अच्छा, तुम सोच रहे हो कि इसको अगर मतलब हम वन अलग कर देते हैं तो ये 1/x ना सर, dy हो मतलब ऐसे जाएगा। नहीं सर, अच्छा हाँ मतलब हम ये नहीं कर रहे जो इक्वेशन से है, मतलब ऐसा मान रहे जो मतलब 1/x dy हो गया ना माइनस वाई हाँ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर होगा ना, हाँ हाँ तो 1/1/x का डिफरेंशिएशन इधर मतलब -1/x² हो जाएगा ना, अच्छा, वैसा लग रहा है कि वैसा हो सकता है मतलब ना। लग रहा है, यस मतलब सर, एक्स स्क्वायर जो मानेंगे हाँ ना, मतलब नीचे में जो एक्स स्क्वायर दिए ना तो इसका डिफरेंशिएशन इस साइड मतलब हो सकता है हाँ 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 ऐसे हाँ करके वैसा एक्स। लगता है, तो सही है। सर एक मिनट, वो एग्जैक्ट है तो होगा नहीं? एग्जैक्ट है तो हो ही जाएगा। एग्जैक्ट तो कर ही दिया, ये जो 1/x को डिवाइड किए थे एग्जैक्ट तो हो यस गया था, ये सर। तो लगवे करेगा ना कहीं हाँ नहीं तो मत लगेगा, तो एग्जैक्ट नहीं होता तो वन बाय एग्जैक्ट एक्स होता इंटू कैसे? वन। हाँ नहीं सही है, उसका भी सोचना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब देखो ऐसे मतलब एक्चुअली में, सोचते हैं ना, मतलब जैसे सोचते हैं ना जो मतलब एक्स स्क्वायर से काहे डिवाइड करेंगे, इसीलिए सर हाँ हम हाँ बोले सर। हाँ हाँ बस हो सकते। अच्छा ठीक है, अगर मान लो तो यहाँ पे नीचे वाला देखो, सपोज करो ये, तो इसमें कैसे सोचोगे, उसी तरीके से कि अब इनका यहाँ पे हो जाए ऐसा कुछ, है कि नहीं, अब इनमें बताओ, लेकिन ये भी तो सही है। सर ये भी तो वही पर होगा ना सर, 1/y हो हाँ जाएगा, इसका तो वही है, डिफरेंशिएट वही करेंगे चीज वन है, देखो बाय वाई एग्जैक्ट हो स्क्वायर रहा है, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट हो रहा है, तभी तो ऐसा को हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट सो यस एक तरह से क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन ही दे रहे हैं उनका, इंस्पेक्शन वही कहता है कि कैसा तुम हिटर ट्राई से सोचो, ऐसा फंक्शन सोचो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद तुम्हारा वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, यही कहता है कुल मिला के, ठीक है। अब यस ऐसा सोचने का है तो हम कुछ इसका एक्चुअली में हम कुछ फॉर्म दे रहे हैं। अब बहुत सारा इक्वेशन होगा कि तुमको लगेगा अच्छा एक्स डीवाई माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर का हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जानते हैं, क्या डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका करने जानते हैं कि वाई बाई एक्स हो जाता है इसका डायरेक्ट अगर हम इंटीग्रेशन करें, तो हो सकता है कुछ को अरेंज करके तुम इस फॉर्म में लेके आ जाओ, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा इस फॉर्म में, छोटा छोटा इस तरह का कई फॉर्म कर दो जिनका तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जानते हो, अभी आएगा एग्जाम्पल में भी, ठीक
ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लिख देते हैं, फिर सर एग्जांपल देंगे। सर हाँ जैसे कि लिखे हैं डी बराबर वाई अपॉन एक्स, वाई के जगह पे कुछ और रख सकता है टी यू। वो तो डिपेंड करता है फंक्शन। हाँ फंक्शन वन वेरिएबल में कुछ रखो ना, पी टी एक्स जेड कुछ भी रख दो, जी सर वो तो सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। चलो ठीक है, और अगर देखते हैं इसी तरह से तो अच्छा, जैसे टू, एक मिनट थोड़ा सा अरेंज करने दो हमको, ठीक है। और हाँ जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। अब यही चीज है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, लेकिन सपोज करो इसका अगर हम लोग नीचे में डिवाइड करते हैं एक्स वाई से, तो बताओ क्या एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा। यही चीज है, एक्स यस डी वाई सर हो माइनस वाई डी जाएगा, एग्जैक्ट हो होगा, यस सर हो बताओ जाएगा सर। हो जाएगा हाँ ना। सर तो ये भी 1/xy भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ जाएगा, तो इसका एक डायरेक्ट है, इसको तुम डायरेक्ट डी ऑफ लॉग फंक्शन वाई लेके बाई आप एक्स हो सीधे जाएगा इसका। ln y बाई एक्स हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, अब सपोज करो ये पूरा ही दिया हुआ, तो तुम्हारे माइंड में डायरेक्ट चलना चाहिए इसका तो डायरेक्ट ही सोल्यूशन होता है ln y बाई एक्स, है ना। अगर एक्स स्क्वायर है इसका डायरेक्ट ही सोल्यूशन होता है वाई बाई एक्स, अगर -1/y स्क्वायर से कर दिया तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन होता है एक्स बाई वाई, इक्वल टू सी तो होगा इंटीग्रेशन करने के बाद, इक्वल टू सी तो होगा सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन का तीन तीन इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिखा दिए। चलो पांचवा देखते हैं, कितना चार हुआ ना, पांचवा देखते हैं, 8-10 को लिख देते हैं, बाकी कुछ और भी बुक में होगा, कुछ खुद से भी बना सकती हो। बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटा छोटा चीज यूज होता है, ताकि मेरा कैलकुलेशन हमको उस वक्त ज्यादा ना करना पड़े। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, चलो इसी में अगर मान लो सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, तो बता सकते हैं इसका, थोड़ा सा यस बड़ा हो गया सर नहीं। टेन इनवर्स वाई बाय एक्स कर देंगे डायरेक्टली हाँ डी ऑफ। वो ठीक है, तुम पढ़े हो या बनाए हो इसलिए फटाक से आ रहा है, बहुत का माइंड में नहीं आ रहा होगा, तुरंत ही नहीं आएगा ये कि 10/y/x इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन यस ये सर 10/y/x होता है ना। अच्छा चलो ठीक है, छठा नंबर देखते हैं। इसमें लेते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था वहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे प्लस कर दिए। अब देखो इसमें चेंजिंग हो जाएगा, इसमें क्या चेंज होगा, ये हो जाएगा टोटल डिफरेंशिएशन लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हाफ। हाँ, तो उसमें तुम्हारा एक ये हो रहा है 1/2 भी ये टू आएगा, होगा सर करके देखो। 1/2 1/2 भी यस सर होगा, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर वाई वेरीफाई स्क्वायर करना है कुछ नहीं, स्क्वायर सिंपल डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसको कर दो, यही चीज आ जाएगा, और क्या वहीं से तो निकाले। अच्छा ठीक है, 2xy dx माइनस x2 dy बाय y2, अब इनका बताओ। ये भी डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई से शायद हो जाएगा, यस देखो सर एक्स स्क्वायर वाई। वाई स्क्वायर हाँ वाई ठीक है सर, टू हाँ एक्स आ माइनस जाएगा। एक्स स्क्वायर वन, ठीक है हो गया। और लिखते हैं, 7 हो गया ना, आज लगता है यहीं तक खत्म हो जाएगा, 8 लिख देते हैं कुछ, बाकी तुम लोग खुद से तैयार करना, कुछ बुक्स में देखना होगा, और भी हो सकता है बुक्स में। ये मान लो 2xy dy और माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स कर, डी एक्स करते, थोड़ा सा माइनस प्लस ले लिया, अब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दिए, ये भी तुम्हारा डी ऑफ डी वाई ऑफ स्क्वायर वाई बाई स्क्वायर एक्स हो एक्स जाएगा। स्क्वायर वाई। दोनों तरीका हम लिखा दिए दोनों वाला। ये अगर मान लो कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अब अगर माइनस कॉमन ले लेते हो बाय एक्स वाई, तो ये हो जाएगा डी ऑफ ln एक्स बाई वाई। एलएन वो जाएगा अब एक्स बाई वाई। यस सर हाँ यहाँ पे क्या था, ln y बाई एक्स था ना, यहाँ पे एक्स बाई वाई, क्योंकि माइनस से सिर्फ कॉमन लिए हैं और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ माइनस कॉमन होगा, यहाँ माइनस आएगा तो ln में हो जाएगा, तो 1/y/x यानी एक्स बाई वाई हो गया, थोड़ा सा तोड़ दिए उनको, और इधर कर देते हैं 10 नंबर, 10 नंबर कर देते हैं। चलो थोड़ा एक्सपोनशियल में देख लेते हैं, e^x dx माइनस e^x dy, ठीक है, और बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा डी ऑफ e^x/y। ये कुछ कौन एक दो बार वाई देख लेना, एक तरह से याद ही रख लेना, तो आगे हेल्प करता है। और 11 नंबर की कैसे करना है हमको, अब एक्स डी एक्स प्लस वही चीज है वाई डी वाई, देखो यहाँ पे 1/2 था, अब 1/2 को हम लोग अगर नहीं लिख लेंगे तो ये भी डी ऑफ क्या हो जाएगा, ln√x2 + y2, कुछ नहीं उसी को हम थोड़ा सा अरेंज कर दिए, कौन सा ये वाला, इसी को, वही तो है, 1/2 को यहाँ कर दिया अंदर, बाकी तुम लोग बहुत सारा देख सकते हो, ठीक है, बुक में है, 15, 16, 17, 18 को होगा, इसमें एस चांद में मिल जाएगा। एक और लिख देते हैं, जैसे डी ऑफ
सपोज करो कि डी ऑफ तो नहीं, उल्टा लिखते हैं, सपोज ऐसा लिखते हैं जी, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स और डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सपोज करो इस फॉर्म में लेके आई या ऐसा हो, तो इसका डी ऑफ होता है डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स बाई वाई, ए सॉरी एक्स वाई, ऐसा होता है। ठीक है, और देख ही लेते हैं 13 नंबर, देखने तो थोड़ा सा हम बुक ही से लिखा देते हैं सारा। ये हो गया, ये तो हो गया टू दी पावर एक्स वाई, ये तो हो ही गया। अच्छा सोच करो कि ये रहता है तो मतलब 2y² एक्स डी एक्स माइनस 2yx² डी वाई और बाई वाई टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा टेन इनवर्स का तो कर दिया ना, टेन इनवर्स वाला हम देख रहे हैं, हाँ टेन इनवर्स वाला हो गया। एक और भी बचा है डी ऑफ -1/xy इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका ऐसा भी होता है। इतना रहने दो, ठीक है, इतना बहुत है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट करना है, छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, तुम देखना इस तरह का योजक। अब जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल अभी तुरंत दे देते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा, तब क्लास आज खत्म करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल बाई इंस्पेक्शन से कैसे करते हैं, सपोज करो तुमको दिया सिक्स होगा, 11 नंबर सेम है सर, सिक्स हाँ क्या बोले, हाँ नंबर और 11 नंबर। सेम लिखा दिए क्या, हाँ वो तो सेम ही है। यहाँ पे देखो 6 नंबर वही बोल बोले कि 1/2 को अगर ऐसा नहीं हो, कहीं हो सकता है इसी तरह कर दे, तो वही है यहाँ पे 1/2 और रूट कर दी, एक ही है, यस सर, एक ही चीज है। और एक ही सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारा को तुम देखोगे वहां पे तो 6-7 को कॉमन आ जाएगा, उन्हीं में से माइनस प्लस करोगे तो वाई डी एक्स, अच्छा दोनों सेम ही का ही लिख रहे हैं, माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0, मान लो ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास जो भी है एग्जैक्ट वगैरह से तुम चेक करोगे, ठीक है एग्जैक्ट है कि नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे, बहुत सारा चीजें करने के लिए है इसको, बहुत तरीका है इसको बनाने के लिए, अभी तक में से भी देखोगे बहुत सारा यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डीएक्स डीवाई डीएक्स डीवाई इस तरह से। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर डिवाइड कर दो सभी को 1/ वो डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, सोचना पड़ेगा इस तरह से। जितना भी अभी तक यहाँ पे हम लोग पढ़े, ट्राई करो इन्हीं में से किसी एक में शायद अगर आ जाए हर क्वेश्चन, आगे जितना क्वेश्चन देखोगे तो हम लोग उसका डायरेक्ट हम ये चीज लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं, है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं, सारा का सारा ऊपर में एग्जैक्ट ही है, डायरेक्ट करते हैं। कैसे सोचेंगे, तो सपोज करो कि अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग, अच्छा पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ऐसा क्यों सोच रहे, यहीं पे देख लो पहला वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अगर इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो इसका हम लोग को पता है, कर दिए, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते एक्स स्क्वायर से यहाँ भी और यहाँ भी एक्स स्क्वायर से, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से अगर इस पूरे को इसमें करेंगे, साइन वाई बच जाएगा, यह सब ठीक है। हाँ एकदम बन जाएगा ना डी ऑफ तुम्हारा साइज साइन साइन इनवर्स, हाँ साइन वाई का अलग हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे अगर डिवाइड कर देंगे एक्स यस सर, स्क्वायर वो तो से अलग तो है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यस साइन सर, वाई डी वाई इंटीग्रेशन आसान हो गया इसका, और इसका अगर डिवाइड कर और देंगे ये एक्स डीएक्स हो स्क्वायर से जाएगा तो तो ये भी आराम से हो फंक्शन ऑफ जाएगा। एक्स का बन जाएगा, आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब अगर इसमें भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो इसका हमको पता है डी ऑफ एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स कुछ होगा जो भी हो, तो ये भी हो गया तुम्हारा, तो आसान नहीं हो गया इसका सीधे सीधे, है यस ना, सर, हाँ ठीक है, हाँ एक्स बाई वाई हो जाएगा गिवन, सर डी। हाँ वही 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 सोच रहे, तो ऐसा तुमको खुद से सोचना पड़ेगा। ये हो गया साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0, अब हम करते हैं इसमें डिवाइडिंग, डिवाइडिंग इच टर्म बाय एक्स स्क्वायर वी गेट, सारे में एक्स टर्म से हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ये भी हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन वाई, साइन वाई और डी वाई इक्वल टू 0/x², तो 0 ही हो गया, क्लियर। अब इनका क्या है हमको पता है, ये डी ऑफ कितना हो जाएगा तुम्हारा, डी ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा ना शायद, नहीं सर, डी माइनस ऑफ एक्स माइनस बाई कॉमन वाई, लीजिए ना सर, माइनस माइनस वाई कॉमन बाई एक्स, अब लीजिए, ठीक है एक्स बाई माइनस वाई हो एक्स गया। बाई,
माइनस किससे, इस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यस सर ऊपर माइनस से, कॉमन लोगे तो यहाँ यस सर माइनस हो माइनस जाएगा। लेंगे तो एक्स डीवाई होगा ना, हाँ तब ठीक हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, हाँ अब ठीक है, एक्स स्क्वायर हो यस सर गया, कंफर्म। हाँ एक्स को रख दिया वाई का डी वाई, अब फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, वाई को रख दिया एक्स का डी एक्स। हाँ ठीक है, अब बताओ इसका, इसको क्या कर लिख सकते, इसको लिख सकते हैं हम लोग वन वन प्लस, बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी हाँ एक्स, 1/x² ये हो गया डी एक्स, और प्लस यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन वाई डी ये वाई इक्वल साइन टू वाई जीरो। डी अब वाई इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ यस साइड अगर कर देंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया जल्दी से, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विकेट, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो माइनस तो हम यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ऑफ वाई बाई एक्स हो गया, प्लस ये इंटीग्रेशन हो गया 1 + 1/x² dx, और प्लस यहाँ इंटीग्रेशन हो गया साइन वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका जीरो का, तो एक सी दे देते हैं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। क्लियर, अब यहाँ पे हो गया माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स, ठीक अब प्लस एक्स माइनस 1/x ठीक, एक्स, और यस साइनों का सर माइनस कॉस वाई। माइनस कॉस वाई, हाँ अब सही है, और क्या करेंगे इसको, और था सिंप्लीफाई करो, एक्स से माइनस से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई सकते, कर रहे माइनस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो हाँ जाएगा, यस सर यहाँ पे सही, वाई हो जाएगा, और वाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कितना है 1, और माइनस हो जाएगा x² और प्लस कॉस वाई यही होगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस cx ठीक है। एक्स भी तो यस आएगा सर ना सर यहाँ पे कॉस के साथ, कॉस वाई एक्स भी तो हाँ मल्टीप्लाई माइनस करेगा cos यहाँ पे ठीक, अब ठीक है जो तुम चाहो तो इसको भी आंसर रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। ये तुम्हारा हो गया आंसर, वेर प्लस के साथ आएगा ना, है हाँ प्लस एक्स कॉस वाई आएगा ना, माइनस हाँ एक्स प्लस ए कॉमन, हो जाएगा सर, प्लस एक्स कॉस वाई सही है, सर सर प्लस x² माइनस वन हो सर, ओके अब ठीक है सर माइनस माइनस 1/x से, मतलब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, वाई हो गया यहाँ के लिए हो गया माइनस x², यहाँ के लिए हो गया प्लस 1, और वो यहाँ पे ठीक है माइनस सर, माइनस हाँ प्लस एक्स कॉस वाई इक्वल टू माइनस सिक्स। अब ठीक है, अब ठीक है, ज्यादा ताम झाम नहीं है तो सीधे इसी को आंसर रखो, सिंप्लीफाई कर देते तो अच्छा लगता है देखने में, कुछ भी कोई इसको यहाँ पे प्लस कर दो और cx इक्वल टू जीरो कर दो तो और अच्छा लगेगा, सी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ठीक है। क्लियर हो गया, इंस्पेक्शन मेथड कहाँ पे हेल्प करता है, इस तरह से बड़े इक्वेशन रहे उसमें से देखो, अगर 1/x² से किया ये इजी हो गया, ये हो जाएगा, इसका भी हम लोग को पता है इसी तरीके से, तो ये जो जितना सारा यहाँ लिखा है जो इसे भी तुमको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, जो भी तरीका तुमको अच्छा लगता हो उसे तुम इसको इतना सारा को सेट कर लो जितना तक होता है, आगे अगर नहीं भी होगा कोई बात नहीं, मेथड बताने वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अलग अलग तरीके से निकालने का, लेकिन कभी कभी क्या होता है बड़े क्वेश्चन देखने में लगता है, अब पता चला एक टर्म से, अगर हम एक टर्म से डिवाइड कर देते हैं उसको, कोई भी एफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये इंस्पेक्शन वाला जो मेथड है ये वाला डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल वाला में आ जाता है, तो उसका इंटीग्रेशन निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहीं पे देख लो, हमको कुछ भी ना ही हम इसमें एग्जैक्ट का यूज किए ना ही कुछ किए, ऐसा भी इक्वेशन आएगा, यहाँ पे देखने में लग रहा है कि शायद उल्टा पुल्टा है, लेकिन ध्यान से देखो तो ये भी खत्म, ये x² से करेंगे ये भी एक फंक्शन हो जाएगा x का, यहाँ x² से करेंगे तो ये भी फंक्शन हो जाएगा y का, जिससे इंटीग्रेशन मेरा आसान हो गया है ना। कल हम लोग इसी में से आगे पढ़ेंगे, रूल 1 रूल 2 करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस में है कि MdX प्लस MdY वाला जो भी ऐसा, अगर होमोजीनियस में है तो कैसे करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कभी कभी होता है होमोजीनियस फंक्शन तो है लेकिन होमोजीनियस तरीके से बहुत टफ पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के करेंगे एग्जैक्ट से तो क्या होता है उसका सॉल्यूशन बहुत ईजी तरीके से निकल के आता है, तो ऐसा भी आएगा आगे चलते जाओगे मेथड तुम्हारे पास बढ़ते जाएगा क्या करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का, उसके बाद तुम्हारा माइंड यूज हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड अपनाए कि जल्दी से मेरा सॉल्यूशन आ जाए, ये नहीं कि एक ही मेथड है, नहीं मेथड बहुत बढ़ जाएगा, तब तुमको सोचना पड़ेगा कौन सा अपनाए कि जल्दी बने, कौन सा अपनाए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मेरा उसके लिए ज्यादा बेनिफिट करेगा, कौन सा अपनाए कि ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा ज्यादा बेनिफिट करेगा, अब तुमको ये सोचना पड़ेगा ठीक है, बहुत सारा मेथड निकल के आएगा धीरे 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 करके, तो कल उसी में से देखेंगे कि अच्छा MdX प्लस MdY अगर होमोजीनियस में है तो MX माइनस NY अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो 1/MX माइनस NY को इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है ठीक है, अगर MX प्लस MdX प्लस NdY है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेकिन उसका कोई भी तरीका से इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकलता है, लेकिन 1/M अगर पार्शियल डेरिवेटिव इसको एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस डेल एम बाई डेल वाई करने पर अगर फंक्शन ऑफ तुम्हारा एक्स ओनली आ जाए या एक्स अलोन, केवल फंक्शन एक्स अलोन
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहां से हम लोग दे देते हैं ई टू दी पावर जो भी फंक्शन होगा वो, मान लो पी एक्स होगा तो पी एक्स डी एक्स ऐसा, तो ये सब बताएंगे अगले मेथड में। इसका चार मेथड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, चारों से अगर नहीं होता है तो एक लास्टली एक और मेथड है उससे निकल ही जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पांचों भी फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई जनरल तो है नहीं, हम पहले ही बता दिए कोई भी जनरल मेथड नहीं, ये चारों एक मान के चलते हैं कि इसमें मैक्सिमम केसेस में हो जाता है, इसलिए इसको एक मेथड को बना के रखें। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन हम वो कराएंगे नहीं, एचान बुक में है वो सब देखोगे, हम बताएंगे जब कल तब देखना, अभी नहीं, अभी यहीं तक देख लो जितना आज पर आए, समझ जाओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते कैसे हैं, क्यों ये इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और एग्जैक्ट वाला इससे पहले तक तुम उसका एक्सरसाइज बनाओ लाल जी से ही, फिर कल आगे बात करेंगे। ओके कोई डाउट? नो सर, नो सर, नो सर। चलो ठीक ठीक है।